परी, मैं हूँ परी। सो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत दिनों से एक रियल कुकिंग वीडियो नहीं बनाई थी, तो फिर इस बार हम लोग ना बहुत दिनों बाद एक रियल कुकिंग करने वाले हैं। तो फिर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको आज का रेसिपी बोल देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। पहले मैं तो हमेशा सिमिया और हलवा, स्वीट डिशेस बनाती थी। आज मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा साउथ इंडियन डिश बना दिया जाए। और आज हम लोग हमारा इडली बनाने के लिए यूज कर रहे हैं मेरा स्टील किचन सेट। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप उसमें क्लिक करके इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। तो हमको क्या क्या चाहिए हमारा इडली बनाने के लिए, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला हमको चाहिए हमारा इडली बैटर, जो सबसे मेन है। ये है नमक, तेल और बर्तन जिसमें हम लोग हमारा इडली डालेंगे, और ये है वो बर्तन जिससे हम लोग हमारा इडली बनाएंगे, और पानी। ये हमको चाहिए हमारे इडली बनाने के लिए। लेकिन मेरे पास ना दो दो चूल्हा है, इन दोनों में से किसको यूज करूं? चलो देखते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अच्छा, मैं इसको यूज करूं? ठीक है, फिर इसको यूज करते हैं आज। तो फिर हमको ना रियल कुकिंग बिना पेरेंट्स के सुपरविजन से नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरे पापा और मम्मी है, मैं उनके साथ अपना रियल कुकिंग कर रही हूँ, ठीक है? आप भी अकेले मत करना रियल कुकिंग, और फिर फायर से भी मत खेलना, आपके लिए डेंजरस होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, चलो हम इडली बनाते हैं। ये जल ही नहीं रहा है। मम्मी आप जला दो, मेरे से नहीं हो रहा है। 2000 years later. हमारा आग जल गया। यस, हमारा आग जल गया। अभी इसमें पहले हम लोग हमारा बर्तन डालेंगे। हमारा बर्तन, चलो इसमें अभी हम लोग पानी डालते हैं। ओके, अभी इसको स्टीम करने के लिए हमको ढक्कन डालना होगा ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। हाँ, चलो गर्म हो जाओ। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा ये हमारा इडली बैटर रेडी करते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। हो गया, डाल दिए थोड़ा नमक। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स। ये पानी अभी तो गर्म हुआ कि नहीं भाई? लगता है गर्म होगा। और ये है हमारा इडली बनाने के लिए बर्तन। चलो पहले इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ताकि हमारी जो इडली है वो आसानी से निकल आए। चलो चलो चलो, लग जाओ। और थोड़ा चाहिए होगा, मेरे हाथ में ऑयल लग गया, साफ कर लेती थोड़ा। ठीक हो गया। अभी तक ये पानी गर्म हुआ कि नहीं, चलो देख लेती हूँ। वैसे ये बहुत गर्म होगा ये प्लेट। देखो ये पानी में ना बबल्स आ गए, मतलब ये पानी गर्म हो गया है। तभी चलो हमारे बर्तन में हम लोग हमारा बैटर डालते हैं फटाफट से। और ये रहा हमारा लास्ट। ठीक है, हो गया। हमने तो हमारा बैटर डाल दिए हैं, चलो इसको रख लेते हैं। हो गया, चलो ये बर्तन को कवर कर लेते हैं ताकि हमारा ये इडली जल्दी से स्टीम होकर रेडी हो जाएगा। चलो आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। लेकिन 10 मिनट तक मैं बोर होती रहूं क्या? एक काम करते हैं, चलो तब तक हम लोग चटनी बना देते हैं। और ये रहा हमारा ग्राइंडर, देख रहे हो ना, न्यू ग्राइंडर है मेरा। चलो इसको हम लोग आज यूज करेंगे हमारा चटनी बनाने के लिए। तो फिर आज हम लोग ना टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो फिर हमारा टमाटर चटनी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, चलो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमको चाहिए टमाटर, और इतना छोटा सा टमाटर भी चलेगा, और गार्लिक और मिर्ची तो बिल्कुल नहीं बाबा, मैं ज्यादा तीखी नहीं खाती। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, हमको चाहिए नमक और चीनी।
और हमारा ग्राइंडर। तो चलो हमारा टमाटर चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टमाटर को काटते हैं हमारे चाकू से, इस तरह से काटेंगे, इजी होगा। A few moments later. और ये कट गया। तो मैंने टमाटर तो काट ली, और हाँ मैंने ना ये करियंडर लीव्स रखना भूल गई, अभी रखी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो फिर हमारा टमाटर कट गया है, अभी इसको हम लोग हमारे ग्राइंडर में रख लेते हैं। चलो हमारा टमाटर डालते हैं। ठीक है, सही है, अंदर जा, घुस, हो गया। चलो अभी हमारा लहसुन, इसको तो मैं हाथ से तोड़ दूंगी। अभी हमारा करियंडर लीव्स, थोड़ा सा चीनी और बस थोड़ा सा नमक, परफेक्ट। अभी चलो इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ मैं प्लग लगा दी हूँ, चलो ऑन करते हैं। ओके, तो फिर हमारा टमाटर चटनी तैयार है। वाह, कितना यम्मी दिख रहा है। चलो हमारा टमाटर चटनी इस बाउल में रख लेते हैं, डाल देते हैं। अय्या, ये क्यों चला गया? अरे तुमको नहीं जाना था। ओ, लेकिन हमारा टमाटर चटनी कितना रेड लग रहा है। नाइस। वाओ, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। ये मैं ना आधी को दूंगी, आधी खाएगा, क्योंकि वो छोटा है ना, तो वो आसानी से खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। असली में तो नहीं भर सकता, क्योंकि वो एक बाउल पूरा खाता है। तो फिर हमारा चटनी तैयार है, अभी इडली हो जाना चाहिए, है ना। चलो चेक करते हैं, अब ये गर्म होगा पक्का। ये कपड़े से चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं कैसा हुआ है। खुल जा, खुल जा, खुल जा। वाह, कितना फूल गया, कितना यम्मी दिख रहा है। और देखिए ये पूरा पानी हो गया, कितने सारे बबल्स हैं, और ये प्लेट भी बहुत गर्म है। वाह, चलो इसको निकालते थे। देखिए हमारा गर्म पानी, इससे तो बबल्स थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा, लेकिन गर्म धुआं निकल रहा है। और ये हमारा गर्मा गर्म इडली, सबसे ज़्यादा ये फूला है जो मैंने सबसे पहले डाला था। चलो ये आग को बंद कर लेते हैं। हटो! ये मैं जब छोटी थी इसको पकड़ती थी मैं हमेशा, और अभी भी पकड़ती रहती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो चलो, और ये जो व्हाइट चटनी है इसको मैंने पहले से ही बना कर रखी थी, आज मैं बस ये टमाटर चटनी बनाई थी। ओ हाँ, इस इडली को चलो फटाफट से प्लेट में डाल देते हैं। प्लेट 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 कहाँ रखी थी वो, मैं पहले से रखी थी, हाँ ये रहा। दो दो प्लेट रखी हूँ मैंने, एक आधी के लिए एक मेरे लिए। चलो स्पून, ये रहा स्पून, चलो निकालते हैं। यहाँ पहला इडली, ये हमारा पहला इडली गया आधी की प्लेट में। चलो इधर एक और इधर एक, एक तेरा एक मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, बराबर है, एवरीथिंग ओके। तो फिर मैंने इडली प्लेट में सर्व कर ली, ये आधी के लिए और ये मेरे लिए। चलो मैं आधी को बुलाती हूँ। अरे मैं अब डाइनिंग टेबल में रख लेती हूँ, हम दोनों खाएंगे उधर। अरे ये आ गया आदि, आ जाओ आदि, खाना बन गया। स्ट्रॉ की जरूरत नहीं है दो। अरे चलो आदू, तुम दोनों चटनी खाओगे क्या? हाँ, ये तो स्ट्रॉ पकड़ के बैठा है। चलो ओ आदि, तुम्हारा खाना तैयार है। चलो मैं पहले चटनियाँ डाल देती हूँ, और एक चलो मेरे में भी डाल देती हूँ, और एक अभी इसमें टमाटर की चटनी। अरे हाँ हाँ, दे रही हूँ, रुको जरा, सबर करो। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, अभी मेरे में। वाह, ओ आदि, दीदी तुम्हारी कितना प्यार से बनाई है, खा लो थोड़ा, अपने खुद के हाथों से खाओ। अदु मम्मम, अरे अदु उसको पानी पीना है। अदु मम्मम खाएगा? नहीं खाएगा। कोई बात नहीं,
चलो मैं अपना खाती हूँ। हाँ। बहुत यम्मी है, मैंने तो सोचा नहीं था इतना यम्मी होगा। आज ही तो खाएगा नहीं, उसका भी मैं खा लूंगी। बहुत यम्मी लग रहा है। ओ पापा, आप भी खाओ। कैसा है? अच्छा है पूरी, यम्मी। मुझे भी बहुत यम्मी लग रहा है, स्पेशली वो चटनी। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं 24 आवर मिनी फूड चैलेंज देखना चाहते हो कि नहीं? अगर देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा 24 आवर मिनी फूड चैलेंज देखना है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं उसमें क्या क्या खाना बनाऊंगी थोड़ा आइडिया देना। हाँ ठीक है, वैसे ये तो बहुत ही लग रहा है, इडली तो बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर आपको पता है क्या करना है। हाँ, लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस पहले देखो। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, लेट्स एंड द वीडियो। तुम्हारे लिए मैं खाना बना रही हूँ यहाँ, और तुम तो मेरा खाना को मेरा तबाही बचाने आया है। तू जा, मुझे खाना बनाने दो, फिर तुम खाओगे। आज परी दीदी के खाना से पेट भरेंगे हम। इतना छोटू छोटू खाना बनाऊंगी, उससे मेरा तो पेट भरेगा नहीं बाबा, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार।